गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड दीपाली द दिप्स ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ रिव्यू, जो कि ये प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम। इसका मैं आज आप लोग के साथ रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। तो गाइस ये हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। तो गाइज़ इसकी आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी होंगी यूट्यूब से या फिर इंस्टाग्राम से आपने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी होंगी, इसलिए मैंने भी सुनी थी, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया है 15 दिन पहले और 15 दिन से इसको मैं लगातार यूज़ कर रही हूँ। इसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। जिस तरह इसमें लिखा हुआ है रेडियंट ग्लो, बिल्कुल आपको ये अपने आपकी जो स्किन है उसको रेडियंट ग्लो ही प्रोवाइड करता है। आपका जो इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है, जैसे लाइक अ प्राइमर, आपने सिलिकॉन बेसिस प्राइमर देखे होंगे उस टाइप का ये इसका जो टेक्सचर है उस टाइप का है। बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है आपके फेस में, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगता है। और आप ग्लो देख सकते हो, मैंने इस समय अपने फेस पे अप्लाई कर रखा है और मेरे फेस पे आप देख सकते हो इसका ग्लो, तो बिल्कुल आपको रेडियंट ग्लो ही प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई भी अफोर्डेबल रेंज में अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो, सीरम लेना चाह रहे हो, तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हो। मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप इसको डेफिनेटली परचेस करो। इसको अप्लाई आपको जस्ट आपको फेस वॉश करना है, फेस वॉश करके आपको 2-3 ड्रॉप्स लेकर अच्छे से मसाज कर लेना है और आपके जो स्किन में है ये 8-9 आवर रहेगा और उसके बाद आपके जो फेस में है वो आप जो ग्लो देखोगे वो अलग ही रहेगा। क्योंकि मैंने इसको जो यूज़ किया था वो नाइट टाइम पे यूज़ किया था। नाइट टाइम पे या डे टाइम पे आपको फेस वॉश करके जस्ट आपको आप इसको अप्लाई करना है। 9-8 आवर्स आपके स्किन पे रहेगा और आप नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपने स्किन को देखोगे, इसका जो ग्लो होगा वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वाला आपको उसका ग्लो मिलने वाला है। तो गाइस देखिए सीरम यूज़ करना क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो हमारे स्किन को जो हमारे जो स्किन है उसको ऊपरी ही स्किन होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और जो सीरम्स होते हैं वो हमारे स्किन को अंदर तक जाके प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए सीरम यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने परचेस किया था इसकी जो ये मैंने पर्पल से परचेस किया था, गुड वाइब्स एक बहुत अच्छा ब्रांड है और बहुत अफोर्डेबल स्किन केयर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसका जो प्राइस है ये लिखा हुआ है यहाँ पे 215 का, लेकिन मुझे यहाँ पे ऑफर से मिला था मुझे ये, तो मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगी कि मुझे कितने का प्रोवाइड हुआ था। तो आप पर्पल पे देखोगे तो हमेशा ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको इजिली मिल जाएगा। जो नेट क्वांटिटी है ये 10 ml की है, इससे बड़ा भी आता है, लेकिन मैंने पहले इसको टेस्टिंग के लिए मैंने छोटे ही इसको लिया था कि इसका रिजल्ट कैसा होगा इसलिए। और ये पैराबिन फ्री है, जो गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पैराबिन फ्री होते हैं गाइस। इसके बाद मैं इसकी शेल्फ लाइफ की बात करूँ तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर्स की है, तो आप इसको 2 ईयर्स तक आप यूज़ कर सकते हैं। ये इतना अच्छा है कि ये 1 या 2 मंथ्स में ही आप ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइप की इसकी पैकेजिंग है, आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हो, ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है इस टाइप का। इसके बाद मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये इस टाइप के बॉटल में आता है, आप देख सकते हो डार्क ब्लू कलर का बॉटल है। ये डार्क ब्लू कलर के बॉटल में इसलिए आता है क्योंकि इस सीरम में कोई भी लाइटिंग का इफेक्ट ना पड़े या यूवी रेस का इफेक्ट ना पड़े, इसलिए इस टाइप का डार्क ब्लू शेड में आता है। तो इस टाइप का इसमें लिखा हुआ है, गुड वाइब्स लिखा हुआ है रोज हिप सीरम, और इस टाइप के ड्रॉपर के साथ आता है, आप देख सकते हो इस टाइप के ड्रॉपर के साथ आता है। इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, इसी से आप 2 या 3 ड्रॉप्स लेकर अपने फेस पे लगा के आप अप्लाई कर सकते हो। आगे चल के कि कैसे इसको अप्लाई करना आपके पूरे फेस पे। तो गाइस ये जो फेस सीरम है बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर आपके फेस में एंटी स्किन है या फिर एंटी एजिंग की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप 20+ हैं, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। ये एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को भी स्लो कर देगा, कम तो नहीं करेगा लेकिन स्लो कर देगा। अगर आपकी एज है और 35 होने वाली है तो ये उस प्रोसीजर को स्लो कर देगा, तो आप इसको एंटी एजिंग की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपके जो फेस में जितने भी स्पॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट होते हैं, उनको भी क्लियर करता है। तो ऑब्वियसली बात है अगर आपके स्किन में कोई भी स्पॉट्स नहीं रहेगा, क्लियर स्किन रहेगी, तो ऑब्वियसली आपकी जो स्किन है वो ऑलरेडी क्लियर लगेगी, ग्लोइंग लगेगी। तो इस टाइप का ये है। और साथ ही आपके स्किन के रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे आपके स्किन में कोई भी इरिटेशंस होते हैं या फिर फंगस इन्फेक्शन वगैरह है, उनको भी रिमूव करने में हेल्प करेगा रोज हिप। तो अगर आपके कम है तो बिल्कुल आपको ये रिमूव करने में हेल्प करेगा, लेकिन अगर आपके स्किन में ज़्यादा ही है तो आपको ऑब्वियसली बात है डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह का ये रोज हिप सीरम है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं और आप इसका कोई अच्छा सा रिव्यू आप देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि इसका जो है रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो मैंने यूज़ किया है अपने स्किन में और जो मुझे ग्लो प्रोवाइड हुआ है वही मैं आपके साथ इसका शेयर करने जा रही हूँ।
तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं गाइज। ये आपके स्किन पे बिल्कुल भी स्टिकी नहीं करेगा, जैसे आप इसको अप्लाई करोगे ये बिल्कुल आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और बिल्कुल भी ऑयल नहीं लाने देगा। तो आपके स्किन में अगर पिंपल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स है ना वो भी रिमूव होंगे, क्योंकि जो पिंपल्स होते हैं वो हमारे ऑयल्स की वजह से होते हैं। अगर आपके फेस में ऑयल वगैरह निकलता है या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो उससे भी पिंपल होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये आपके ऑयल को भी आने नहीं देगा फेस से, तो ऑब्वियसली बात है आपको पिंपल्स की जो प्रॉब्लम्स होगी उसको भी ये रिमूव करेगा। तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो गाइज। और इसके गाइज बेनिफिट्स भी हैं, तो बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बेनिफिट्स में जो लिखा हुआ है, वन ऑफ द काइंड ऑफ फेस सीरम दी मेंटेन स्किन इलेक्ट्रिसिटी एंड स्मूथनेस। तो इससे जो है आपकी स्किन की जो इलेक्ट्रिसिटी होगी और स्मूथनेस होगी उसको भी मेंटेन करेगी। इन्फ्यूज विद रोज हिप एक्सट्रैक्ट एंड ब्राइट अन इवन स्किन टोन। अगर आपकी स्किन जो है वो अन इवन टोन है उसको भी ये ब्राइटनर करने में हेल्प करेगी फॉर ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन, और साथ ही आपको एक ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन भी देगी। तो ऑलरेडी इसमें ये सारे बेनिफिट्स हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ इसका जो। तो गाइस इसमें बी केयरफुल ऑफ भी लिखा हुआ है। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट में भी इरिटेशन टू सम पीपल, तो कुछ लोगों को इस सीरम से इरिटेशन भी हो सकती है। तो आप जरूर इसका पैच टेस्ट करके देखें, अगर आपको किसी भी तरह की स्किन में इरिटेशन वगैरह होती है तो आप इसको बिल्कुल भी यूज ना करें। आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा और मैंने इसकी सारी चीजें आपके साथ शेयर करी हैं, इसका एप्लीकेशन, इसकी पैकेजिंग, इसका बेनिफिट जितना भी है सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजिली मिल जाए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।